हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कम मेहनत और कम समय में बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार सूजी और पोहे का वाइट ढोकला, जिसे आप बहुत कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। सूजी का वाइट ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेंगे मिक्सी का जार, उसमें डाल देंगे हम 1 कप सूजी। सूजी मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। 1/4 कप में डाल रही हूँ इसमें बेसन। 1/3 कप डाल रही हूँ मैं इसमें पोहा। पोहा डालने से जो हमारा ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसको पीस लिया है। मैंने पहले छोटा वाला जार लिया था, लेकिन वो छोटा पड़ रहा था, तो मैंने अपना जार चेंज कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप दही। दही हमें इस ढोकला बनाने के लिए खट्टी दही चाहिए होगी। फ्रेश दही का हम यूज नहीं करेंगे, खट्टी दही होगी तो हमारा ढोकला बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप पानी। 1 कप दही डाली है और 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। इसको हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। हमने दही और पानी डालने के बाद इसको फिर से पीस लिया। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल। दही और पानी डालने के बाद हमने क्या करा था, इसको मिक्सी में ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये ढोकला का बैटर है इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून पानी लेंगे और इसको धोकर इसी में डाल देंगे। देखिए मैंने इसको डाल दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो बैटर है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट तक इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। ले लीजिए, मैंने इसको 1 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया। इससे क्या होगा ना, फेंटने से हमारा जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, क्योंकि ये ना जो हमारा बैटर है फेंटने से फ्लिपी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पर। हमारे बैटर को हो गई है 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रखे हुए, तो हमारी सूजी अच्छे से सेट हो गई है, काफी हद तक ये फूल भी गई है। तो अब हम इसमें कुछ यहाँ पर मसाले डालेंगे। तो मैंने 1/2 चम्मच लिया है नमक, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। 2 पिंच मैंने लिया है हींग। हींग से इसमें टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 2 कली ली थी लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को मैंने दरदरा, जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें कूट के ले लिया है। इससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें, इसको डाल देंगे। तो साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल से हमारा जो ढोकला है अच्छे से अंदर तक पकता है और कच्चा नहीं रहता है, फ्लिपी और सॉफ्ट भी बनता है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसको फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा, हमारी जो सूजी है काफी हल्की हो जाती है, उससे जो हमारा ढोकला है फूला फूला और स्पॉन्जी बनता है। 2 मिनट हो गई है मुझे अच्छे से अपने बैटर को फेंटते हुए। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लिपी हो गया है। मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, इस तरीके की हमारी कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही हमें चाहिए। तो अगर जब हम इसे ऐसे लेना, तो इस पे जो हमारी स्पून है इस पे इस तरीके से कोटिंग हो जानी चाहिए। ऐसे करें तो हमें समझ आए कि हाँ अच्छे से हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब हम अपना विस्कर साइड रख देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं मैंने केक टिन लिया है। आप जो हमारे घर में नॉर्मल किनारे वाली थाली होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का केक टिन ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। ग्रीस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा ढोकला है डिमोल्ड आसानी से हो जाए। तो हमने अपने जो टिन को है ग्रीस कर लिया है। अब वापस से हम अपना बैटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये ली है मैंने फ्रूट सॉल्ट इनो। तो ये जो हमारी राइस खाने वाली चम्मच होती है ना, नॉर्मल वो वाली है, तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, हमारा जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी फूला फूला बनेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा 1 से 2 बूंद पानी डाल देंगे ताकि जो हमारी इनो है ना जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 10 से 12 सेकंड तक फेंट लेंगे। इस प्रोसीजर को हम बहुत फास्ट करेंगे। हमने इसको फेंट लिया है अच्छे से। अब वापस से हम टिन लेंगे और इसके अंदर अपना ढोकले का बैटर ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से 2 बार इस तरीके से टैप टैप कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा मैं लूंगी काली मिर्ची का पाउडर, इस तरीके से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या, हमारा ढोकला तीखा भी होगा और देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्टी भी बहुत बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, इसको भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ले लीजिए, मैंने इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। यहाँ पर गैस पे मैंने पहले से एक कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में पानी रख दिया था, पानी में हमारा उबाल आ गया है। तो मैं इस तरीके का स्टैंड लूंगी और इसके अंदर रख दूंगी। आपके पास ऐसा ना हो तो आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं। इसके अंदर हम इसको अपने टिन को रख देंगे और हाई फ्लेम कर इसको हम 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक हैवी चीज लेंगे, कोई इसके ऊपर रख देंगे, तो मैंने इस तरीके का बाट होता है ना वो लिया है। इससे क्या होगा, हमारी जो स्टीम है बाहर नहीं निकलेगी।
10 मिनट हो गई हैं, हम एक बार अपने ढोकले को चेक कर लेते हैं। ये बाट हमारा गर्म है, कपड़े से पकड़ के ही इसको हम उतारेंगे। प्लेट भी काफी गर्म है तो ध्यान से इसको हम उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पे मैंने एक टूथपिक ली है, इसके अंदर इस तरीके से डाल के देख लेंगे। ये देखिए टूथपिक हमारी क्लीन है, लेकिन हल्का सा इस पे ना बैटर लग के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ढोकला है सेंटर से अभी कच्चा है। किनारे से तो जल्दी पक जाता है, लेकिन सेंटर से ही ये कच्चा रह जाता है। तो हम इसको कवर करके फिर से 5 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। 5 मिनट और हो गई हैं, फिर से हम अपने ढोकले को चेक कर लेते हैं। पिक लेंगे, अंदर डालकर देख लेंगे। तो हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा जो ढोकला है अच्छे से स्टीम हो गया है। फ्लेम बंद कर देंगे। तो इसे स्टीम होने में पूरा 15 मिनट का टाइम लगा है। इसको हम निकाल लेते हैं अपने टिन को और ढोकले को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल। हम ढोकले के लिए तड़का बनाकर तैयार करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, उसमें मैंने आधा चम्मच ली है सरसों, पीली वाली है मेरे पास, आपके पास काली हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। और आधा चम्मच ही लिए मैंने सफेद वाले तिल, नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको क्रैकल होने देते हैं, ये हो गए हैं। अब मैंने 10-12 लिए हैं कड़ी पत्ते, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश का यूज करें, मेरे पास थोड़े पुराने हैं तो मैं इसका ही यूज करी। इसको डाल देते हैं, इनको भी होने देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली थी, इनको बीच में से 2 करके इसके भी 2-2 पार्ट कर लिए हैं, इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा तड़का तैयार है, अब हम अपने ढोकले को चेक कर लेते हैं। हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया है, मैं इसको आसानी से टच कर पा रही। तो मैंने एक नाइफ लिया है, इसकी हेल्प से हम इसे किनारे किनारे से इस तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसे हम रखेंगे ऐसे इसके ऊपर एक प्लेट, और इसको ऐसे पलट देंगे तो हमारा ढोकला आराम से निकल जाता है। ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे। देखिए हमने ढोकला अपना निकाल लिया है, मैंने इसको प्लेट में सीधा करके रख लिया है। अब आप इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो हमारा ढोकला एकदम रेडी है, मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो हमने तड़का बनाया था इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे, तड़के को, सारे तड़के को हम अच्छे से इसके ऊपर फैला देते हैं ताकि तड़का सभी ढोकलों पे लग जाए अच्छे से। अब हम इस पे हरे धनिए से, अब मैंने यहाँ पे बारीक कटा हरा धनिया लिया है, इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए से। तो हमारा व्हाइट सूजी और पोहे का ढोकला बनकर तैयार है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, और मैं इस तरीके से तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ, अंदर तक जालियाँ पड़ी हुई हैं। तो आप इस ढोकले को एक बार जरूर ट्राई करें, इसके सामने आप बेसन का ढोकला खाना भूल जाएंगे, खाने में इतना टेस्टी और मजेदार लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।